अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन दाल चाय की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसे प्लेन राइस या फिर जीरा राइस के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में डाल दूँगी हाफ कप के करीब में तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे खड़े मसाले। तो आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, एक दालचीनी, एक बड़ी इलायची और 3 लौंग लेकर इन सबको डाल दूंगी। हल्का सा कड़कने के बाद इसमें डाल दूंगी प्याज। तो 3 प्याज लेकर उसे पतला पतला काट ली हूँ, तो प्याज को डाल दूंगी। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है, तो चलाते हुए हाई फ्लेम पर भून लेंगे इसे। प्याज हमारा भून चुका है, इतना ही हमें भूनना है। अब मैं डालूंगी इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, तो डाल दूंगी। चलाते हुए थोड़ा देर भून लेंगे, तो लगभग 1 मिनट तक भून लूँगी इसे। और ये भून चुका है, अब मैं डाल दूँगी इसमें गोश्त। तो 750 ग्राम ले ली हूँ। आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं, बड़े का या फिर बकरे का, जो आपके पास मौजूद हो। तो इसे डाल दूँगी और इसे चलाते हुए पहले हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लूँगी। और इसे भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर। तो 3 टमाटर और हरा मिर्च लेकर उसे छोटा छोटा काट ली हूँ, तो इसे डाल दूंगी। साथ में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर के डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दूंगी। आधा छोटा चम्मच जीरे का पाउडर डाल दी हूँ और 1 बड़ा चम्मच भर के डाल ली हूँ नमक। मिला लूँगी सभी चीज़ों को, अच्छे से मिक्स करना है। और मीडियम आँच पर मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर दी हूँ और इसे ढक दूंगी। ढककर हम मसालों को भून लेंगे। मसाला हमारा भून रहा है, तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेंगे। तो यहाँ 1 कप चना दाल लेकर उसे 1 घंटे पहले भिगा के रख दी थी, अच्छे से फूल गया है ये। तो अब मैं एक दूसरा प्रेशर कुकर ले ली हूँ, उसमें डाल दूँगी दाल को। तो सारा दाल डाल दी हूँ और अब मैं डालूँगी इसमें 3 कप पानी। तो इसी कप से मैंने चना दाल ली थी, उसी कप से मैं 3 कप पानी डाल दी हूँ। दाल हमारा डूब जाना चाहिए इस तरह से। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें हल्दी पाउडर। तो आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल ली हूँ। आधा छोटा चम्मच नमक डाल दूँगी और तकरीबन 1 छोटा चम्मच के करीब में ही तेल डाल दूँगी। और अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 4 प्रेशर आने तक पका लूँगी। पहले हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगने देंगे, उसके बाद से गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 3 से 4 सीटी आने तक पका लेंगे। और यहाँ हमारा मटन जो है वो भुन चुका है बहुत अच्छे से। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें पानी इसे गलाने के लिए। तो तकरीबन 2 कप पानी डाल ली हूँ मैं इसमें, अच्छे से मिला लूँगी। और कुकर का ढक्कन बंद करके हम 4 से 5 सीटी लगा लेंगे इसमें। तो यहाँ आपके गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना सीटी लगाना है। अगर मटन लिए हैं तो 4 से 5 सीटी में अच्छे से गल जाएगा, और अगर बड़े का ले रहे हैं तो थोड़ा देर और पकाना पड़ेगा। यहाँ कुकर हमारा ठंडा हो गया था, उसको खोल ली हूँ। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। एक बार चला लूँगी अच्छे से। और अब मैं डाल दूँगी इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और यहाँ मैं ले ली थी आधा किलो लौकी। लौकी को छील के इस तरह से मोटा मोटा ही काट ली हूँ, तो इसे डाल दूँगी। तो जो दालचा है उसमें लौकी ज़रूर पड़ता है, तो इसे डालकर हमें अच्छे से मिला लेना है और इसको 1 सीटी आने तक पका लेना है। तो मैं पहले इसलिए नहीं डाली थी कि लौकी पूरी तरह से गल जाता था गोश्त के साथ में। तो अभी हमें बस 1 सीटी आने तक पका लेना है। और यहाँ दाल चेक कर लेते हैं, कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। 5 सीटी आने तक पका ली थी मैं, और देखिए दाल अच्छे से गल गया है। मैं इसे चम्मच से ही अच्छे से चला लूँगी। अगर आपको बिल्कुल पतला दाल चाहिए तो आप इसे ठंडा करके मिक्सर में पीस सकते हैं। मेरे घर में थोड़ा मोटा ही पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ा इसे चम्मच से ही चला के मोटा ही रखूँगी। तो देख सकते हैं इतना गाढ़ा रखी हूँ मैं, तो थोड़ा दानेदार ही है। ये तैयार है, इसे साइड में रख दूँगी। और मैं कुकर चेक कर लेती हूँ, कुकर का प्रेशर अपने आप निकल चुका है। 1 ही सीटी लगाई थी मैं। तो ये देखिए लौकी हमारा इतने में ही अच्छे से गल गया है। तो मटन हमारा तैयार है और इसे एक बार चला लूँगी अच्छे से। और अब मैं डाल दूँगी जो हमने दाल उबाल के रखा हुआ है उसे। तो सारा दाल डाल देंगे। कुकर में 1 कप गर्म पानी डालकर अच्छे से धो ली हूँ, उसे डाल दूँगी। तो सारा दाल डाल दी हूँ, अच्छे से मिला लूँगी। तो ध्यान रहे यहाँ पर हमें गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
और अब मैं डाल दूंगी इसमें 1 कप इमली का पल्प। तो इमली को भिगा के रख दी थी और वो जब फूल गया था तो हाथों से अच्छे से मसल के उसका पल्प निकाल ली थी, और उसे डाल दी हूँ। मिला लूँगी इसे अच्छे से, थोड़ा सा पानी और डालूँगी इसमें, तो गर्म पानी ही डाल दूँगी 1 कप और, क्योंकि ये जब ठंडा होता है तो ये बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो 1 कप गर्म पानी डाल दी हूँ, गैस को ऑन कर दूँगी और इसे उबाल आने तक पकाऊँगी। इसे हमें अच्छे से पका लेना है लगभग 4 से 5 मिनट तक, और तो लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, चलाते रहना है इसे नहीं तो ये तले में लग जाएगा। तो अच्छे से चला दी हूँ, ये तैयार है। अब मैं डाल दूँगी इसमें पुदीने के पत्ते, तो यहाँ 1/2 कप के करीब मैं पुदीने का पत्ता ले ली हूँ और 2 हरा मिर्च ले ली हूँ। मिर्ची ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा पसंद हो तो ही डालिएगा। डाल दूँगी सभी चीज़ों को, अच्छे से मिक्स करना है इसे, और ये तैयार है। तो इसे रखूँगी साइड में ढककर, और इसमें मैं लगाऊँगी तड़का। तो तड़के के लिए मैं ले लूँगी एक पैन, उसमें डाल दी हूँ 2 बड़े चम्मच तेल, तेल में 2 सूखा लाल मिर्च डाल दी हूँ और 1/2 छोटा चम्मच जीरा। इन्हें भुनने के बाद इसमें डालूँगी मैं प्याज। तो आप चाहें तो यहाँ पर तेल की जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को हमें चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। ये देखिए प्याज हमारा भुन चुका है। इसमें डाल दूँगी कड़ी पत्ता, तो 10 से 12 मैं कड़ी पत्ता डाल दूँगी। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल चावल में, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। इसे डालकर हम अच्छे से भून लेंगे, और ये भून चुका है। अब मैं इसे डाल दूँगी हमारे दालचीनी के अंदर, तो सारा तड़का डाल देना इस तरह से, अच्छे से मिला लेंगे और ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे, और 5 मिनट के बाद फिर इसे सर्व करेंगे। तुरंत सर्व करने से जो तड़के की खुशबू है वो अच्छे से नहीं आ पाती है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है, बहुत ही लाजवाब बनता है ये। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।